we are called as psychic healers, right? Psychic means one knows about the energy. Like किसी से भी मिलते हो, अभी क्लास में भी, इन सबकी एनर्जीज क्या है? अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एनर्जीज कैसे होती हैं। बेसिकली यू हैव टू टैप इनटू दैट पर्सन, राइट? अब जैसे एनिमल्स हैं, लाइक डॉग्स, कैट, हाँ, स्पेशली डॉग्स, दे यू कैन से दे आर क्लेयरवॉयंट, क्लेयरवॉयंट है वो लोग। जैसे ही कोई ऐसा आदमी आता है वो इमीडिएटली भौंकने लग जाते हैं, एंड दे स्मेल, उनके अंदर सेंस ऑफ स्मेल ज्यादा होती है। सो एक-एक व्हाट डू यू कॉल, एक-एक सेंस ऑर्गन्स आपका खुलने लगता है व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ कोर्सेस, राइट? एंड व्हेन यू बेसिकली व्हेन वी आर मेडिटेटिंग और वी आर इन दिस काइंड ऑफ एनर्जी वेयर वी यूज ऑल द साइकिक एबिलिटी, उससे क्या होता है, आपका यहाँ पे एक चक्रा होता है विच इज नोन एज फोरहेड चक्रा, ओके, विच इज अननोन, अननोन टू मेनी पीपल। नाउ दैट चक्रा ओपन्स स्लोली 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 व्हेन यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, ओके। एंड इंट्यूशन, बहुत लोग बोलते हैं ना इंट्यूशन आता नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इंट्यूशन सबका होता है, सबका फ्लो होता है। एज अ लिविंग बीइंग वी ऑल आर ब्लेस्ड विद दिस इंट्यूटिव एनर्जी। इट इज जस्ट ए लॉजिक माइंड और लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम है, वायरिंग का प्रॉब्लम, राइट? जो लेफ्ट ब्रेन वाले हैं, जो लॉजिक माइंड ज्यादा यूज करते हैं, उनके लिए इंट्यूशन आता है, बट दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट ओके ये इंट्यूशन मेरा है, मेरे को डिवाइन ने दिया है करके, नो। सो वो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, एल्स सबको वो आता है इंट्यूशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही को आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है, बट यस इट्स लाइक यू नो लाइक 20, जब आप जॉब करते हो, स्पेशली फॉर अ टीचर, व्हेन यू आर इन अ टीचिंग लाइन या व्हेन यू आर इन अ लीगल लाइन या व्हेन यू आर इन अ मेडिकल लाइन, ऐसे स्पेसिफिक स्पेसिफिक लाइन में जब होते हो तो दिमाग कैसे चलता है, वैसे ही चलता है ना। किसी टीचर, अगर कोई हमारे घर पे कोई टीचर है तो हमेशा वो गलत और सही के बीच में नाप तोल करता रहेगा, वो सहन नहीं कर सकता है कोई भी गलत काम करे, नो। आई एम वेरी डिसिप्लिन, घर पे सब डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, दिस इज टीचर्स जॉब बेसिकली। तो उस हिसाब से उनका दायरा बन जाता है, उनका हैबिट बन जाता है, उनका न्यूरल पाथवे वैसा बन जाता है। सो वैसे ही जब हम साइकिक एबिलिटी में, जैसे अभी मैं आई वर्क एज एन एस्ट्रोलॉजर, सो माय व्हाट यू कॉल 7 आवर्स जॉब इज अबाउट प्लैनेट। अभी अगले साल का क्या ट्रांजिट है, क्या होने वाला, क्या कंजंक्शंस है, उसी में सोचते रहते हैं हम लोग। तो क्या होता है, वी आर मोर ट्यून्ड इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी। So, वैसे ही जब हम हीलिंग में आते हैं तो हमारा ब्रेन वैसे ही चलने लग जाता है कि अब इसका क्या करना है, इसका कैसे करना है, इसकी एनर्जी क्या है, इसका चक्रा क्या बोल रहा है, ये चक्रा से क्या हमें मिल रहा है। सो इट स्टार्ट्स वर्किंग, व्हेन इट स्टार्ट्स वर्किंग योर ऑरा बिकम्स मोर सटल, मोर सॉफ्ट, स्पेशली वेन यू डू दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड वेन यू आर ऑलवेज इन द ऑरा ऑफ डिवाइन। लाइक मेरे ऑफिस में बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, बट वो क्या करते हैं, जब तक प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे हो या प्रेडिक्शन कर रहे हो तब तक वो टच नहीं करते हैं। उसके बाद रात को डिनर में भी खा लेंगे, बट एज पर देम इट इज शोइंग रेस्पेक्ट टू द प्लैनेट, है ना, वो प्लैनेट्स को रेस्पेक्ट करते हैं उस हिसाब से। सो वैसे ही जब आप लोग भी इस बार का जो सेशन है,
इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटेंस। नॉर्मली मेरा क्लास इंटेंस होता है, बट वेरी इजिली पढ़ाती हूँ मैं। सो वैसे ही मेरा तरीका है, आप सबको पता है। नाउ दिस क्लास इज गोइंग टू बी इंटेंस। इंटेंस मीन्स व्हाट? आपके ऑरा के शक्ति को बढ़ाना, आपके अंदर वो डिवाइन पावर को लॉक करके रखना। क्यों लॉक कर रहे हैं हम? ताकि वो किसी अच्छे के लिए यूज हो। इट इज नॉट, पता है एनर्जी कितना वेस्ट करते हैं हम कुछ नहीं। तो अभी जैसे ये लाइट चला गया तो क्या होगा? हाय ये कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस विल कम इनटू आवर हेड एंड वी विल कीप ड्रेनिंग आवर एनर्जी, राइट? तो एनर्जी वेस्ट बोलते हैं इसको। सो होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क, इफ यू वांट यू कैन राइट, एल्स जस्ट नोट नोट कीजिएगा अपने पूरे दिन के थॉट्स को, बिहेवियर को, एक्शन को, कि आप जो भी कर रहे हो, आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो या एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। कितना एनर्जी वेस्ट किया, कितना मैं स्कैन कराऊंगी, आप लोगों को पता है, स्कैनिंग में पता लग जाएगा कितना है। बट थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए। कितना एनर्जी कंज्यूम किया आपने, ठीक है? कितना एनर्जी वेस्ट किया? यू नो इट्स लाइक इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही बराबर होने से क्या होगा, हमारा ऑरा स्वस्थ रहेगा। बट वही जब हम ज्यादा आउटपुट देते रहेंगे, आउटपुट कैसे दे सकते हैं? मेंटली सोचते रहना कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। सो इसको कैसे शांत कर सकते हो? इंटरनली यू कैन कीप ऑन चैंटिंग ओम, ठीक है? कीप ऑन चैंटिंग ओम या एनीथिंग विच वर्क्स फॉर यू। लाइक मेरे लिए ओम वर्क करता है, बट नॉट नेसेसरी इकबाल के लिए वो वर्क करे, पवनजीत के लिए वो वर्क करे, मोहिनी, मैं कभी ऐसा नहीं पढ़ाती। आप सबको पता है कि मेरे को जो लगता है वही आपको होगा। नो, आई एम नॉट अ टीचर लाइक दैट, बट यस यू हैव टू फाइंड आउट आपके लिए क्या वर्क करे। बिकॉज ओम जो है वो प्रणव मंत्र है। व्हाट इज प्रणव मंत्र? जो सबसे फर्स्ट आया है यूनिवर्स में, जिसके वजह से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, उसका अपना शक्ति है, राइट? सो यू मैम, कैन बट फॉर मी यू इट चेंजेस टाइम टू टाइम. मैं बदलती हूँ. लाइक आई डू दिस बट हाँ टाइम टू टाइम आई चेंज. एक यू एक चेंज दिन, हाउ, एक एक हाँ हाँ एक एक इसमें, एक दिन वेरी वो नाइस, मणिपद में हम, एक वेरी दिन से नाइस, सेंट एक्सपेडाइट, ऐसा बदलता है. वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो या तो ऐसा कीजिए, बिकॉज उस दिन क्या एनर्जी चाहिए आपको, वो अपने आप आता है। मैम, मैं भी ऐसे करती हूँ. जब नेगेटिव आता है ना कुछ, तो शनि मंत्रा और उस दिन का जो भी होता है, जैसे थर्सडे है तो गुरु मंत्र, शनि मंत्र, गुरु मंत्र एंड थर्ड इज ओम. ओम तो है ही. हाँ ओम तो है ही, लेकिन अगर ओम से रिलीज नहीं होता, थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा होता, तो मैं शनि मंत्रा डालती हूँ. क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो नेगेटिव प्लैनेट ही आता है ना कहीं से कुछ, फिर वो शनि मंत्रा डाल के काफी हद तक रिलीज हो जाता है. लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो उस दिन का मंत्रा डाल देती हूँ. ओम ग्राम क्रीम ग्रोम स गुरवे नमः, हाँ जैसे हाँ हाँ ओम ग्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, ऐसे कोई भी, जैसे. जैसे कुछ लोग बुद्धिस्ट चैंट भी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। एनीथिंग विद जस्ट यू नो आपके ब्रेन को वो पॉजिटिविटी बना रहे, उसी चक्कर में उसको डाल दे। बेसिकली आपके ब्रेन को बुद्ध बनाने वाली बात है, क्योंकि ब्रेन ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, वो हमारी बात सुनता नहीं है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसा कीजिए जो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो, ताकि वो उसमें उलझ के चुपचाप रहे, राइट? ओके ओके फर्स्ट